और रोड के हाल ना बहुत बुरे हो रखे हैं कसम से। मतलब ऐसी रोड मैंने शायद पहली बार देखी होगी। और अभी हम पहुंच गए हैं छैनागढ़। ये छैनागढ़ का पुल है और इस तरफ से देखिए ये छैनागढ़, और ये जो नदी है ये आपकी मिलती है बांसवाड़ा में। और अभी शायद हमें ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ से एक रोड ऊपर के निकल रही है, तो मे भी मुझे लगता है हमें ऊपर के लिए जाना है। हम डाउट में थे कि गुप्तकाशी की तरफ जाना है, सो अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं। और ऊपर के लिए जाएंगे तो शायद हमारा कैंसिल हो सकता है बारात में जाना, और अगर आगे के लिए जाएंगे तो हम बारात में जाएंगे। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये है छैनागढ़, और छैनागढ़ से ऊपर के लिए एक रोड कट रही है ठीक इधर की साइड से, वहाँ से ऊपर के लिए एक रोड कट रही है, और कच्ची रोड है, पेंटिंग शायद नहीं हो रही थी उस पर। सो 7 किलोमीटर आगे जाना है हमें, और हमने डिसीजन लिया कि जाते हैं बारात में और देख के आते कैसी जगह है। दिखा रोड दिखा, ओ भाई रोड के हाल बहुत बुरे हो रखे हैं, और इस रोड पे जाना है तो हमें आदत भी है थोड़ा ऐसी रोडों की। थोड़ा यहाँ नीचे दिखाओ, छैनागढ़ भी दिखा दो, और उस तरफ उस पुल में हम खड़े हुए रखे थे अभी तक, और अभी हमने जो डिसाइड किया कि जाना है बारात, यहाँ दिखाओ भाई, और इस तरफ हमें जाना है तो रोड के हाल तो आप देख ही रहे हैं, शायद काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। सो दिखा दें आपको क्या होता है। और रोड के हाल तो आपने देख ही लिए, ऊपर से स्लाइड भी आ रखा है, यहाँ पे रोड कच्ची है और नीचे छैनागढ़ है। भाई अभी थोड़ा कमीज एडजस्ट कर रहा है, और हो गया भाई बिट्टू? यस 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 ब्रो। इस तरफ जाना है हमने, पूरी रोड कच्ची, और हम जा रहे थे इस तरफ, तब तक पीछे से हमारे साथ की जो गाड़ी थी जो शादी में आ रही थी उन्होंने हमें बताया कि इस तरफ जाना है, तो वो गाड़ी आगे चले गई है क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। यार कहाँ पहुँच गए हम, कैसी रोड है यार, मुझे लग रहा है बुरे हाल होने वाले हैं, पर देखते हैं मज़ा आता कि नहीं आता। और मुझे लग रहा है अब हम थोड़ा ही दूरी पे हैं, वो ऊपर गांव दिखाई दे रहा आपको शायद, मुझे लग रहा है वहाँ जाना है हमने। और अभी तक हम जितना आए हैं शायद ही कहीं पक्की रोड रही होगी, और अभी हमने यहाँ पे पता किया था यहाँ पे ये लेबर काम कर रही है, तो ये रोड अभी 4-5 महीना बोल रहे थे कि अभी कटिंग हुई है इसकी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। सो आप खुद सोचिए कि ऐसी जगह जहाँ अब रोड कट रही है, सोचो वो लोग कितना पैदल आते होंगे, और वो भी 6-7 किलोमीटर से ऊपर तो हम आ गए हैं। वाह बुरा हाल है, और फिर सामान लेके आना, और मुझे तो लग रहा वहाँ ऊपर तो सीमेंट वाले घर हैं ना सारे। ओहो कैसे आते होंगे ये लोग, मुझे लग रहा दूसरी रोड हो सकती है, मुझे ऐसे भी लग रहा है। ओहो ढलान तो देखिए कितनी भयंकर ढलान है, क्या रोड बना रखे यार। उधर की साइड जाना भाई हमें, यस उधर की तरफ। और रोड के हाल ना बहुत बुरे हो रखे हैं कसम से। मतलब ऐसी रोड मैंने शायद पहली बार देखी होगी, और पहली बार तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन बिट्टू ने पहली बार देखी होगी। बिट्टू पहली बार देखी होगी ना ऐसी रोड? हाँ पहली बार यार। और बिट्टू तो डर गया था, बोल रहा था कि भाई यार चला पाओगी तुम यहाँ गाड़ी, चढ़ा पाओगे? और आने के लिए तो हम आ रहे हैं, और जाने के लिए कैसे जाओगे नीचे, क्योंकि ढलान पे गाड़ी स्कूटी रपट जाती है, और थोड़ा भी ब्रेक अगर हम मारते हैं, और वो भी अगर कच्ची सड़क है। चलो इस बात को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे की। गाइस एक अलग ही दुनिया, मतलब आप देख रहे हैं ना चेहरे की खुशी, ये बता रहे हैं हम एक अलग ही दुनिया में आ चुके हैं। और एक ऐसी दुनिया देखिए पीछे, यहाँ पे टी स्टॉल है, और यहाँ पे आप चाय की चुस्कियों का आनंद ले सकते हैं, और इस तरफ प्रतीक्षालय बना हुआ है, और देखिए इस तरफ से भी पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं, पूरा नज़ारा यहाँ से, यहाँ पूरा कितना बड़ा
प्लेन एरिया है, मतलब जोबता तुंगनाथ आपने सुना है ना, सेम ऐसी जगह यहाँ पे भी है। ये देखिए, तो दिल एक बार तो दुखी हो रहा था, पता नहीं कितनी दूर है, कहाँ जा रहे हैं हम, लेकिन अभी देख के ऐसे लग रहा कि मज़ा आ गया कसम से। तकलीफ तो बहुत हुई और दूर भी बहुत है, और शायद दूर इसलिए भी लगा हमें क्योंकि जो यहाँ की सड़क है वो बहुत कच्ची है, और यहाँ कोई अनट्रेन होता तो बहुत मुश्किल हो जाता स्कूटी उसको लेके आना, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे आए क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है ही। सो ट्रेन तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना एक्सपीरियंस है उस हिसाब से हम यहाँ तक पहुँच गए। सो इस तरफ एक मंदिर भी है छोटा सा वहाँ पे, और मज़ा आ गया, जितनी तारीफ करूँ उतना कम। सो रात की तरफ चलते हैं, देर होने वाली है, और जल्दी से जल्दी आपको मैं सीधे ले चलता हूँ जहाँ पे बारात हो रही है। दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ के, यहाँ पे हमने स्कूटी लगा रखी है, और इस तरफ देखिए ऐसे नज़ारे तो कम ही देखने को मिलते हैं, और मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि हम ऐसी जगह आने वाले हैं। क्या रमणीक जगह है, क्या मज़ा आ गया यार देख के। तो बिट्टू तुझे कैसा लग रहा है यहाँ आके, मतलब क्या ख्याल आ रहे हैं आपको? ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये तुंगनाथ वैली होगी? बिट्टू थक गया है और कह रहा कि पानी पीने चलते हैं। सो मैं इसको पानी पिलाने के लिए ले जाता हूँ। सो हम जा रहे हैं जल्दी से जल्दी पानी पीने। और यहाँ हम जा रहे हैं पानी पीने, ये पानी का धारा है वहाँ पे जाएंगे हम और पानी पियेंगे। प्यास बहुत लग गई है और बिल्कुल धूल से ऐसे हो गए हैं कि बहुत दर्द करने बैठ गए हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी पानी पियेंगे, और ये अभी बिट्टू पानी पी रहा है, उसके बाद मैं आऊँगा, मैं पानी पीऊँगा। और बिट्टू बोल रहा कि इसमें गंदा पानी आ रहा है। हाँ यार, इसमें गंदा पानी आ रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे हम पानी नहीं पियेंगे, तो आगे जाते हैं हम, वहाँ देखते हैं पानी, वहाँ पी सकते हैं। तो ये है रोड के हाल, ऐसे आजकल भी इस रोड पे जब पानी है भरा हुआ। सो पानी पी लिया है, और चेहरे पे नहीं मारूंगा मैं पानी क्योंकि मुझे जुकाम लगा हुआ, अगर मैं थोड़ा भी पानी मारूंगा तो फिर से जुकाम लगना शुरू हो जाएगा। सो तीन डोज एक साथ ली थी मैंने जुकाम की, और उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर सुबह को गया और फिर सुबह को दवाई ली, और वो दवाई खाई, उसमें फिर उसने दी थी और विटामिन सी की दवाई भी दी थी उसने, उसमें गोलियां होती है ना विटामिन सी की, वो वाली भी दी थी, तो वो वाली मैंने मुँह में रखी और वो भी। सो उस टाइम से थोड़ा पानी में जो पानी होता है ना, जो नाक में पानी बहता, वो अभी बंद हो गया है, पर छींक आना अभी लगा हुआ है। बहुत बुरे हाल हैं, फिर भी आप लोगों के लिए शानदार और जानदार। आपको कैसी लगती है वीडियो ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और ऐसी जगह शादी में पहली बार, वाह मज़ा आ गया। सो आपको वीडियो कैसी लगती है आप लोग ज़रूर बताएं। सो चलते हैं आगे जहाँ पे बारात हो रही है, सीधे आपको ले चलते हैं उधर ही।